हार्दिक पांड्या की कप्तानी की वजह से हार बैठे दूसरा भी ये मुकाबला। जी हाँ, SRH के बीच खेला गया ये मुकाबला। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और विस्फोटक मुकाबला रहा, जहां पर MI ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी का नेतृत्व SRH टीम को दिया। जहां पर टीम के दिग्गज घातक खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली और MI के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी को सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाएंगे, किस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा भड़क और हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर के ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसको देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हार्दिक पांड्या के फैंस, कप्तान रोहित शर्मा के फैंस बस यही कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को हटा करके कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में अब कप्तान की कमान देनी चाहिए, क्योंकि दो मुकाबले लगातार हारने के बाद अब यहां पर नीता अंबानी ने भी काफी बड़े बयान दे दिए हैं। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। पहले तो यहां पर GT की टीम ने MI की टीम को खदेड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा SRH की टीम ने जो है हार्दिक पांड्या की टीम को खदेड़ दिया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी जो है वो काफी ज्यादा जो है खराब है। आप सभी को साफ नजर आ रही होगी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दोनों मुकाबले लगातार हमारे हैं। ट्रेविस हेड ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 277 रनों की अनावाद पारी खेल डाली। 20 ओवर में 277 रन ठोक दिए जो MI की टीम ना बना सकी और जहाँ पर MI की टीम को हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या ने खराब कप्तानी की वजह से मुकाबला हारा है, क्योंकि वो कप्तान रोहित शर्मा की कोई बात नहीं मान रहे थे, उसकी वजह से नीता अंबानी और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर के काफ़ी बड़े बयान दिए हैं। ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या पर काफ़ी ज़्यादा भड़के और उनसे कई बातें कहीं, जहाँ पर अब हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी की कमान रोहित शर्मा के हाथ में देने का फैसला कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा अब तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपनी कप्तानी दिखाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो है अपनी कप्तानी ठीक से ना निभाने पर जो है दो मुकाबले लगातार हारी है। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है उनके फैंस यही कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को हटा करके कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी की कमान देनी चाहिए, क्योंकि लगातार अब दो मुकाबले हार चुके हैं। पहले तो SRH और यहाँ पर GT की टीम ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को जो है हरा करके उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मतलब आपकी नज़र में कौन जो है MI का कप्तान होना चाहिए?